फीचर का कहना है कि जब हम वर्डप्रेस पोस्ट के अंदर इमेजेस अपलोड करते हैं तो हम इमेजेस के अंदर लिंक लगाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये कंटेंट है, मैं कंटेंट के अंदर कोई भी इमेजेस यहाँ पर इंसर्ट कराता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ एंड इमेजेस यहाँ पर अपलोड करता हूँ, प्लस पे क्लिक करेंगे, इमेजेस अपलोड के लिए हम इमेजेस टाइप करेंगे एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी इमेज ले लेते हैं। चलिए मीडिया लाइब्रेरी से ले लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये इमेजेस यहाँ पर ले ली। अब दोस्तों जब भी हम इस इमेजेस पे क्लिक करें तो लिंक खुल कर आए, ये कहना है एक सब्सक्राइब का, है ना। जैसे कि मैं प्रीव्यू पर जाता हूँ, इसको देखता हूँ साइट को, और यहाँ पर ये इमेजेस है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिंक नहीं खुल रहा। हम जिस तरह टेक्स्ट पर लिंक देते हैं ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ इमेजेस पर लिंक देना है। जब भी है कोई भी यूज़र क्लिक करे, पर्टिकुलर जो भी लिंक बनाया हमने इस इमेज पर, वो खुल कर आ जाए जब भी इमेज पर कोई क्लिक करे। जैसे कि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर एक पेज खुल कर आएगा, ये देखिए खुल जाए, है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये भी इमेज पर क्लिक करेगा कोई भी यूजर विजिटर, वो लिंक खुल कर आए। तो कैसे हम लिंक लगाते हैं, क्या है तरीका, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू इस क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीसी कंप्यूटर हिंदी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से मैं वर्डप्रेस की पोस्ट में आ जाता हूँ। देखिए ये है, है ना, एंड यहाँ पर इस इमेज को हमने अपलोड किया है। अब पहले आप लिंक सेलेक्ट करिए, क्या आप इंटरनल लिंक डालना चाहते हैं कि एक्सटर्नल लिंक। तो मैं दोनों ही बता देता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ इंटरनल लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई भी पोस्ट खोल लेता हूँ, चलिए मैं ये खोल लेता हूँ वर्डप्रेस गुटेनबर्ग एडिट डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करें, ठीक है। एंड व्यू में जाते हैं, ये पोस्ट है, ठीक है। अब इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, सबसे पहले हम कॉपी करने के बाद अपनी पोस्ट में आएंगे। इसके इस इमेज पे हमें यहाँ पर लिंक बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर है लिंक, सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपने यूआरएल कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एरो बनेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही एरो पर क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा, देखिए ये अप्लाई हो गए हैं। एंड यहाँ पर आप प्रीव्यू करेंगे, तो प्रीव्यू पर जाएंगे हम और चेक करेंगे क्या लिंक एक्टिवेट हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। तो सिंपल सा ये आ गए, अब हमने इस पर लिंक लगाया है, सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये पोस्ट ओपन हो जाएगी, देखिए जो हमने लिंक लगाया था ये वाला वर्डप्रेस गुटेनबर्ग एडिटर में फाइल अपलोड करके डाउनलोड जो भी कुछ है ना, तो ये आ गई, है ना। तो ये हमने आपको इंटरनल लिंक डालना बता दिया। अब हमें अगर एक्सटर्नल लिंक बनाना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए दोस्तों आपको गूगल खोल लेना है, कोई भी साइट ले लेना है जो भी आपको साइट लगे, है ना। तो मैं फ़िलहाल ले लेता हूँ यूट्यूब, कि जब भी मैं इमेज पर क्लिक करूँ यूट्यूब खुल कर आए, ठीक है। यूट्यूब ले लिया एंड यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम फिर से गुटेनबर्ग सॉरी एडिटर में जाएंगे, ठीक है, इसको हम हटा देंगे। अब हम यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक डालेंगे, तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लिंक के ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे, यहाँ पर लिंक ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर एडिट का बटन, इस पर क्लिक करेंगे और इसको हटा देंगे, डिलीट कर देंगे सिलेक्ट करके, ठीक है। अब इंटरनल लिंक हट गया, अब हमने जो कॉपी किया है यूट्यूब को वो डाल देंगे एंड फिर से अप्लाई कर देंगे एंड फिर चेक करेंगे प्रीव्यू में और इस यूट्यूब को हटा देंगे। नीचे आएंगे तो देखिए फिर हम क्लिक करते हैं क्या यूट्यूब खुल गया है कि नहीं, तो देखिए ये देखिए खुल रहा है ना। इस तरह से आप इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक डाल सकते हैं अपनी पोस्ट की इमेजेस पर, है ना। तो आप यहाँ पर एक इमेजेस पर केवल एक लिंक लगा सकते हैं, और आपको और इमेज अपलोड करनी है फिर आप उन पर भी लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको डिलीट करना है, लिंक नहीं रखना, सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा एंड यहाँ पर एडिट पर मिलेगा और यहाँ से आपको डिलीट करके अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये लिंक हट जाएगा, ठीक है, ये देखिए अब ये लिंक हट गया। अगर लिंक लगाया है, लिंक हटाया, डिलीट किया, जो भी कुछ किया है, जो भी एक्टिविटी आपने की है, उसके बाद आपको अपडेट ज़रूर कर देना है। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो आपकी जो भी एक्टिविटी है वो यहाँ पर सेव नहीं होगी। तो इस तरह से हम
पोस्ट की इमेज पर इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे हम डिलीट भी करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स एंड बाय बाय।